पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान और जबलपुर के बेटे अश्विनी कुमार काची का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। 35 साल के अश्विनी कुमार काची का पार्थिव शरीर करीब 1 बजे सेना की गाड़ी से गांव सिहोरा खुड़ावल पहुंचा था। शहीद अश्विनी का यहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सीएम कमलनाथ भी पहुंचे। उन्होंने शहीद को नमन किया। इसके पहले अंतिम यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कंधा दिया। हजारों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद को कंधा देने वालों की होड़ लगी थी। हजारों लोग नम आंखों से अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद अश्विनी का पार्थिव शरीर जैसे ही सेना की गाड़ी से पैतृक गांव सिहोरा खुड़ावल पहुंचा, जहां तिरंगे में लिपटे शहीद को देखने और अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी। हर आंख नम थी तो लोगों में गुस्सा भी था। लोग एक ही बात कह रहे थे कि खून का बदला खून चाहते हैं। अपने कलेजे के टुकड़े के शहीद होने की खबर सुनने के बाद से ही माँ रो रो कर बेसुध हो गई है। अपने छोटे भाई को खोने के बाद बड़े भाई भी गमगीन है। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग पुराना बस स्टैंड से लेकर मझौली बाईपास तिराहे तक अपने हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और सैनिक बल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बीजेपी एमपी अध्यक्ष और जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, महापौर स्वाति गोडबोले, बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई, इंदु तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में लोग पुराना बस स्टैंड पहुंचे थे। अश्विनी के पिता ने कहा कि सरकार पुलवामा घटना का जवाब दे, खून का बदला खून से लिया जाएगा। अश्विनी कुमार के परिवार ने सरकार से मांग की है कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अश्विनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सुग्री काची ने मजदूरी और पत्नी कौशल्या ने बीड़ी बनाकर परिवार का भरण पोषण किया। 2 साल पहले जब अश्विनी की नौकरी लगी तो उन्होंने माँ से बीड़ी बनाने का काम छुड़ाया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आतंकी हमले में शहीद जबलपुर जिले के अश्विनी कुमार काची को बहादुर नौजवान और पूरे प्रदेश को उन पर गर्व होने की बात कही थी। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट।